गूंजा सिख विरसे दियां। सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दे तुहाडा स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां 26 फरवरी नूं होण जा रहीआं ने, जिस दे मद्देनजर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां लई श्रोमणी अकाली दल दे 46 उम्मीदवारां वल्लों नामजदगी पत्र दाखल कीते गए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां 26 फरवरी नूं होणगीआं, जिस लई श्रोमणी अकाली दल ने कमर कस लई है अते मौजूदा कमेटी प्रधान मनजीत सिंह जीके दी अगवाई विच 46 उम्मीदवारां दी सूची जारी कर दित्ती है। अकाली दल वालों 22 मौजूदा मैंबरां उत्ते चोण लड़न दा भरोसा जताया गया है, जबकि पहली सूची विच 18 ते दूजी सूची विच एक मैंबर दल दी टिकट प्राप्त करन विच कामयाब होए सन। उम्मीदवारां दी सूची मुताबिक ग्रेटर कैलाश वार्ड तों मनजीत सिंह जीके, पंजाबी बाग तों मनजिंदर सिंह सिरसा, देवनगर तों परमजीत सिंह राणा, श्रीनगर तों सतपाल सिंह अते फतेहनगर वार्ड तों अमरजीत सिंह फतेहनगर, हरिनगर वार्ड तों अवतार सिंह हित, शिवनगर तों ओंकार सिंह थापर, कालका जी तों हरमीत सिंह कालका, स्वरूपनगर तों रविंदर सिंह खुराना, राजेंद्र नगर तों परमजीत सिंह चंडोक, रमेश नगर तों तनवंत सिंह आदि शामिल ने। उम्मीदवारां वल्लों अपने अपने पक्ष च चोण प्रचार दा आगाज कीता गया है। अज फॉर्म भर के आए हैं और नॉमीनेशन फाइल किए ने अपने, और गुरु महाराज बख्शिश करेगा कि जिस तरीके नाल असी जो वायदा दिल्ली की संगत ने किया, असी 4 साल असी वो काम किए ने, और जो अपने मैनीफेस्टो असी कह के आए थे 80-90% काम असी पूरे कर चुके हैं, और संगतां दे प्यार सदका, गुरु दे आशीर्वाद सदका एक वड्डी जित दोबारा लैके आवांगे, और जिहड़े काम रह रहे ने वो सारे पूरे होणगे। कौम नूं चढ़दी कला च लैके जावांगे, एजुकेशन होवे, धर्म प्रचार होवे, गुरद्वारियां दी संभाल होवे, गईयां खुरदबुरद जमीनां नूं वापस लैण दी गल होवे, साडे कौम दे इशूज होण, इन्हां सारिआं दे उत्ते इक वड्डी लड़ाई लड़न दी लोड़ है। जो जंग असी शुरू कीती है उसनूं कंटिन्यू रखांगे, और जिवें पहले तुसीं देखिआ कि किते प्याऊ ते हमले हो जांदे ने, किते बुत नहीं लगन दित्ता जांदा, और जिस तरीके नाल शताब्दियां मनाईआं ने, गुरू ने आप सारी जगह कामयाब कीता, अग्गों वी कामयाब कर। दोस्तों, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के दी अगवाई हेठ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बीते 4 साल दौरान धर्म प्रचार के खेत्र च वड्डे कार्ज किए, जिन्हां सदका कमेटी मुड़ दिल्ली की संगत के सहयोग सदका चोणां च जित हासिल करन दा दावा कर रही है। आओ एक नज़र मारदे हां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किए जा रहे कार्यां ते। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बीते 4 वर्यां दौरान धर्म प्रचार दे नाल नाल गुरुद्वारा साहिबान दी सांभ संभाल अते सिख कौम दे कारज सवारन दा काम कीता जा रहा है। इसे लड़ी तहत गुरुद्वारा सीसगंज साहिब दे प्याऊ दी कार सेवा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आरंभ कीती। बीते वरे 6 अप्रैल नूं
दिल्ली सरकार की कारवाई दौरान प्याऊ नूं टाण की कोशिश की गई सी, जिस तों बाद संगतां वल्लों 2 घंटे उपरंत ही प्याऊ की मुड़ उसारी की गई। अदालती रेड़का मुक्कन उपरंत हुण दिल्ली कमेटी वालों दिल्ली हाई कोर्ट वालों पास किए गए नक्शे मुताबिक प्याऊ की मुड़ उसारी अते नवीनीकरण की कार सेवा श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह जी की मौजूदगी विच कार सेवा वाले बाबा बचन सिंह वालों शुरू की गई। नाल ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिखां दे पुरातन इतिहास नूं सुरजीत रखण लई वड्डे उपराले तहत सिख कौम दे महान जरनैल बाबा बघेल सिंह अते होर जरनैलां दी अगवाई हेठ 1783 नूं दिल्ली दे लाल किले ते खालसाई निशान चलाउंदे होए मुगल सल्तनत दी जड़ां पट के दिल्ली फतेह करन वाले जरनैलां दी मल्लां नूं समर्पित दिल्ली फतेह दिहाड़ा 12 अते 13 मार्च 2016 नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों खालसाई शान और शौकत नाल लाल किला मैदान विच मनाया गया, जिस विच वड्डी गिनती च संगतां ने हाजिरी भरी। इस दे अलावा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रधान मनजीत सिंह जी के अते जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा की अगवाई विच गुरुद्वारा साहिब दे सरोवर की कार सेवा कई दहाकियां बाद संगतां दे सहयोग नाल कीती गई। गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब दे सोने दे दरवाजियां दे नाल नाल गुरु घर दे तिन्ने पासे दर्शनी ड्योड़ी दा निर्माण कीता गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान मनजीत सिंह जीके दी अगुवाई हेठ कमेटी वालों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे 350वें प्रकाश पूरब नूं समर्पित इंडिया गेट दे अगस्त क्रांति पार्क विखे गुरमत समागम करवाया गया। इस मौके वड्डी गिनती च संगतां ने दिल्ली कमेटी सदका गुरु गोबिंद सिंह दे लासानी जीवन बारे विधिवत प्रोग्राम सरवण कीते। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁੱਖ ਐਰੇਨਾ IG ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 51 ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
कमेटी प्रधान मनजीत सिंह जीके ने जिथे 1999 तो बाद पहली बार कमेटी दे स्टाफ दी तनखा दे ग्रेड विच वादा करन दा ऐलान कीता सी, जिस बाद फैसले नू अमली रूप दिता गया। सो मौजूदा दिल्ली कमेटी वालों हर तरह नाल सिख कौम दे मान शान अते किरदार नू कायमी वल लजान दे उपराले किते गए, जिना तहत देश दुनिया विच सिख कौम दा वकार उच्चा होया है। दोस्तों, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कैंसर की बीमारी से नत्थ पाने लई वड्डे पद्धर ते इलाज मुहिम शुरू की गई है। गुरुद्वारा बाला साहब विखे चल रहे गुरु हरकृष्ण हस्पताल च बीते 2 सालों तो कैंसर की बीमारी तो प्रभावित मरीजों के किए जा रहे इलाज में हुण वड्डे पद्धर ते आयोजन अते प्रचारित करने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उपराला किया गया है, जिस तहत 8वें पातशाह साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के पवित्र अंगीठे वाले स्थान से शुरू की मुहिम में बाला प्रीतम कैंसर केयर का नाम दिया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा बाला साहिब विखे चल रहे गुरु हरकृष्ण अस्पताल विच बीते 2 सालों तो कैंसर दी बीमारी तो प्रभावित मरीजां दे किते जा रहे इलाज नूं हुण वड्डे पद्धर ते आयोजित अते प्रचारित करन लई कमेटी वालों 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पवित्र अंगीठे वाले स्थान ते चल रही मुहिम नूं बाला प्रीतम कैंसर केयर दा नां दिता गया है। कमेटी प्रधान मनजीत सिंह जीके ने बाला प्रीतम दी कृपा सदका बीते 2 सालों दौरान इस नामुराद बीमारी दे शिकार आए 60 मरीजां दे ऑपरेशन कामयाब होने दा दावा कीता। जीके ने समाज दी भलाई लई कमेटी वालों चलाई जा रही उक्त मुहिम दे विस्तार तहत हुण फेफड़े लीवर अते ब्लड कैंसर दा भी इलाज शुरू करन दा ऐलान कीता है। इस मौके साबका राज्यसभा मैंबर त्रिलोचन सिंह, साबका कमेटी प्रधान अवतार सिंह हित, एम्स झज्जर दे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट दे मुखी जीके रथ, रामाकृष्ण मिशन अस्पताल दे डायरेक्टर स्वामी कालिकनंदा, दिल्ली कमेटी दी मेडिकल सर्विसेज दे चेयरमैन हरजीत सिंह दुग्गल, साबका विधायक तरविंदर सिंह मारवा अते अस्पताल दे कैंसर विभाग दे मुखी डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा ने भी अपने विचार रखे। बैठे सार त्रिलोचन सिंह जी, डॉक्टर रथ स्वामी जी, तरविंदर जी, डॉक्टर मनदीप दुगल साहब, और मेरे सामने बैठे सार गुरमोहन सिंह जी, मेरे वीर जी और धनवंत जी, धनोआ साहब, कैप्टन साहब साहब बलबीर सिंह कोहली जी, सानी साहब, नरेंद्र गांधी जी और चंडोक साहब, और एमिनेंट पर्सनैलिटीज, डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं समझदा कि इहदी हिस्टरी दसी गई, जिवें कि मैं ब्रीफ विच दस दवां कि 1978 इस रिंग रोड तो मेरे फादर लेट जथेदार संतोख सिंह निकल रहे सन। उन्होंने गुरुद्वारे वाल नज़र मारी तो उन्हां दे मन च सीगा कि दिल्ली दे विच मैं घट्टो घट 500 बैड दा हॉस्पिटल एंड मैडिकल कॉलेज बनावां। उन्होंने एक नीला जिहा गेट लगाया बाहर और उहदी DDA आ गया कि वट आर यू डूइंग, तुसी इत्थे गेट किवें लगा रहे हो। तो उन्हें आख्या मैं इत्थे प्याऊ लगाण लगा वा, सड़क बहुत चलती है, लंगर गुरु दा, और कोई थक्या राही कोई गड्डी ट्रक बस रुके उन्हां नूं इत्थे पानी चाह लंगर मिले। अल्टीमेटली ही डाइड इन 1981 एंड 1982 इस जगह दे उत्ते किसान खेती करदे सी। और मैनूं याद है कि वह वक्त फादर की डैथ तो थोड़े दिन बाद ही मैसेज आया
कि वो किसान जिहड़े ने जमीन देना चाहते ने और मैं गुरुद्वारा कमेटी को कहा कि इसे टेक ओवर कर लेनी चाहिए उन्होंने की पर डी डी ए इस एक्वायर कर आ रहा है। असी इत्थे तरविंदर मरवा जी ने हुणे गल की कि चार रात मेरे ख्याल असी हफ्ते तो बाद इत्थे रहे सीगे नवा नवा वीडियो टीवी आया सीगा वीडियो टीवी घरों लिया के असी पिक्चरां लगानियां इत्थे धार्मिक और भोगल आश्रम की सारी संगत नरेंद्र गांधी जी बैठे ने और बाकी दे सारे होर जिहड़े इलाका निवासी ने जिवें भोगल साहब के फादर की जिक्र किया होर बजुर्ग जिहड़े सीगे ये सारिया ने मिल के इत्थे उस रात बड़ी क्रिटिकल सी जिस दिन असी चार दीवारी कर रहे सन और जिवें इन्होंने आख्या कि बुलडोज़र खड़े से सिद्धार्थ एक्सटेंशन हले बनिया नहीं सी असी डी डी ए दे बुलडोज़र जाके हायर किए राती कहिंदे सुबह 4 बजे तक चलाएंगे पर रुपया लेंगे आपसे 2500 और साडे मुंडिया कोल असी उस वेले चिट्टियां दाड़ियां हो गई हैं उदों साडी 22-23 साल उम्र सी ते 2500 रुपया राती 12 बजे 11 बजे साडे कोल नहीं सी। सर अवतार सिंह ऑटो पिंस रहिंदे ने महाराणी बाग मैं उन्होंने जाके उठाया वो कहिंदे तू 5000 लै जा राती कितें होर लोड़ ना पै जाए एंड इन द मॉर्निंग इदा इत्थे एवें हो गया सी जिवें छौणी बन गई होवे चारों पासे पुलिस BSF बुला ली गई लेकिन मैं समझदा कि इत्थों दे लोगों ने जगह छड्डी नहीं सानू इत्थे हफ्ता रहना पिया रात और अल्टीमेटली वी गॉट दिस लैंड और फिर हित साहब ने सारी गल दसी तुहानूं कि किवें 32 करोड़ डिमांड की 32 लख रुपया लिया। सो बहुत समय तो और जिहड़ी हिस्टरी है गुरु हरकृष्ण साहब की किस तरीके दिल्ली चो ही वॉज़ द 8th गुरु ऑफ सिक्स एंड यंगेस्ट गुरु एट द एज ऑफ 5 ही बिकेम द गुरु एंड एट द एज ऑफ 8 ही लीव्स दिस वर्ल्ड ज्योति जो समा जाते हैं और जाण वक्त दिल्ली के जी उस वक्त बीमारी फैली सी उस बीमारी का निवारण करके जाते हैं दिल्ली में ठीक कर जाते हैं अपने आप से बीमारी लैके इस इतों चले जाते हैं और इस जगह पर उन्हों का संस्कार भी होया सी। बंगला साहब गुरुद्वारा तुसी देखते हो कि सिखां तो वध दूजे धर्मां दे लोग जांदे ने क्योंकि उन्होंने आस्था उन्होंने ये विश्वास है कि इत्थों सानू आशीर्वाद मिलता और साढ़े दुख दूर होंदे ने साडियां मन्नतां पूरियां होंदियां ने। सो दिस इज़ द प्लेस विच इज़ नेम्ड आफ्टर द 8th गुरु बाला प्रीतम इसलिए कहा जाता कि बाल अवस्था की उम्र में वो गुरु बने थे। दुग्गल साहब दे जुम्मे जदों ये लगा और इफेक्ट है अज मैं सारिया च एडमिट करदा मेरे घर राती ये 100-100 चैक छोड़ जाते हैं मैं कभी पढ़े नहीं मैं बगैर पढ़े सारे चैक्स और डॉक्यूमेंट साइन करता वहाँ और क्योंकि ये ट्रस्ट है कि दुग्गल साहब के हवाले जिहड़ी चीज़ की इत्थे कोई चीज़ गलत नहीं होएगी। जदों असी टेक ओवर किया इत्थे डॉक्टर्स दियां प्रॉब्लम सीगियां कई सानू दिक्कतां सामने आ रहे सी असी काफ़ी कुछ हल करन दी कोशिश की और काफ़ी कुछ हल भी हुई हैं और हौली हौली ये सैल्फ सस्टेन भी होया। जदों डॉक्टर मनदीप बनू कुछ वक्त पहले मिले और इन्होंने दस्या कि मैं गल करनी चाहना कैंसर की मैं भी बड़ा हैरान होया क्योंकि साड़ी नॉलेज मेडिकल लाइन च उन्नी की है मनु कैंसर का एक एक्सपीरियंस हैगा माई बेस्ट फ्रेंड ही सफर्ड फ्रॉम कैंसर इन 1996 उसनू माउथ कैंसर होया पैसे वाला आदमी सीगा और जदों उसनू डिटेक्ट हुंदा कैंसर इट वॉज सैटरडे नाइट एंड ऑन मंडे वी फ्लू टू न्यूयॉर्क मेरा छोटा ब्रदर न्यूयॉर्क हुंदा मैं उसनू आख्या कि स्लोन क्रेटरिंग जिहड़ा मक्का मदीना समझा जाता कैंसर का यू मस्ट टेक एन अपॉइंटमेंट ओवर देयर। उत्थे डॉक्टर जतिन शाह जेड़े वर्ल्ड रेनाउंड फिगर ने माउथ कैंसर दे और डॉक्टर बैंस करके ये दो बंदिया दी टीम सीगी और जेड़े डॉक्टर नू असी नाल फ्लाई कर रहे सी करा रहे सीगे वो सानू प्लेन च कह रहा कि तुसी क्यों लैके जा रहे हो ये तुहाडे मित्र दी सिर्फ 2 महीने दी लाइफ है 2 महीने दे विच तो वध ये सरवाइव नहीं कर सकता। तुसी यकीन मनो 1996 तो अज 2017 आ गया ही स्टिल लिविंग एंड स्टिल सरवाइविंग। सो ये रब नू पता है कि तुसी कदों होना और जिहड़ी डॉक्टर रत ने गल कही बड़ी इंपॉर्टेंट है इहदे च इक्को गल है कि अगर पहली डॉक्टर ने गलती कर दिती डिटेक्शन दे विच या ट्रीटमेंट ठीक नहीं किया दैन यू आर फॉर इन फॉर ए ट्रबल। यस ये मैं समझदा वा और जिहो जी डेडिकेशन डॉक्टर मनदीप दिखा रहे ने और जिस तरीके नाल इन्हां ने इत्थे इन्ने ऑपरेशन किए ने विद लिमिटेड रिसोर्सिज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक इत्थे हित साहब एक गल कह के गए ने कि इत्थे ना गुरु की मेहर वरतदी है कहिंदे ना कि जे पेशेंट हस्पताल चो बच जावे तो बिल देख के मर जांदा लेकिन इत्थे गुरु की बख्शिश है कि इत्थे गुरु का प्रसाद भी मिलता लंगर भी मिलता और गुरु की कृपा भी मिलती है और इतने ट्रीटमेंट भी बहुत घट रेट पर होंगे
जिवें ब्रेस्ट कैंसर का फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर साहब तो समझ रहा उस दिन दुग्गल साहब ने भी गल की जे बाहर 1.5 लाख 1 लाख 60,000 70,000 होंगे तो इतने 35,000 या वो तो 40,000 के ऑपरेशन हो जाता है। मैं समझदा विच इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट टू द फैमिलीज़ हू आर फ्रॉम लो इनकम ग्रुप। और कैंसर एक हवा बनया है। और हाँ जी गल डॉक्टर साहब ने कही डॉक्टर रथ ने कही जो असी न्यूयॉर्क पहुँचे स्लोन केटरिंग पहला सवाल डॉक्टर जतिन शाह ने किया कि जिहड़ा साडा दोस्त सीगा वो विस्की भी पींदा सी वो पान भी खांदा सी वो कहिंदा डू यू टेक विस्की कहिंदा यस कहिंदा डू यू टेक बीटल नट सुपारी वो कहिंदा मैं पान खांदा वो कहिंदा कंबीनेशन ऑफ विस्की एंड बीटल नट इज़ डिजास्ट्रस कहिंदा 90% असी उन्हां नूं मजाक च किया सी कि जी सारा बिहार ही खांदा वो मुँह चो तंबाकू कढ़दे ही नहीं कहिंदे मैनूं नहीं पता साडे कोल जिन्ने केसिज़ आते हैं 90% केसिज आर कंबीनेशन ऑफ विस्की एंड बीटल नट। सो इस करके जिहड़ी गल इन्हां ने कही है कि जिहड़ी चीज़ां तो असीं बच सकते हैं जिहड़ी चीज़ां प्रिवेंटिव अजकल ट्रीटमेंट तो ज़्यादा प्रिवेंशन वाले पासे आपां चल पए हैं। और जिहड़ी गल डॉक्टर साहब ने तुहानूं जिक्र किया कि 40 साल साडी लाइफ एवरेज सीगी 47 अज 73 साल हो गई है इहदा कारण है 40 साल तक शायद कैंसर आने की प्रॉब्लम घट होवे जो तुसीं 70 साल तक जाना हैगा तो उहदे च कई होर बीमारियां कैंसर तो इलावा भी आंदियां ने शरीर के अपनी एजिंग के हिसाब नाल वो सारिया के ट्रीटमेंट अच्छे चाहिए ने। तो मैं समझदा कि वड्डा हॉस्पिटल असी ऑलरेडी कार सेवा शुरू कर दिती है बाबा बचन सिंह जी और इत्थे सार धनवंत सिंह होरी बैठे ने इन्हां दी सारी टीम इस चीज़ नूं देख रही है। और जिहड़े कोठारी एंड एसोसिएट्स जिन्होंने ओरिजिनली इहदा नक्शा बनाया सीगा उन्होंने प्लैन्स फाइनल कर दिते ने। और असी पहले फेज़ दे विच असी कोई 90 बैड असी शुरू करन जा रहे हैं OPD शुरू करन जा रहे हैं उत्थे और इन्वेस्टिगेशन सेंटर असी शुरू करन जा रहे हैं। इस तरीके नाल बंगला साहब दे विच जिहड़ा हॉस्पिटल है जिथे मरवा साहब चेयरमैन वो तो एक चलता पिया है लेकिन इस तो इलावा सार रजिंदर सिंह चड्ढा राजू चड्ढा जी और डॉक्टर सुनील सच डॉक्टर तो नहीं ने सुनील सचदेवा जेडे मैदानता दे विच ने उन्हां दी टीम लगी असी बंगला साहब असी जेड़ा फैसला लिया कि उत्थे MRI दियां और CT स्कैन और दूसरियां मशीनां लगाण जा रहे हैं और जेड़ियां लेटेस्ट मशीनां ने लगाण जा रहे हैं कि जेड़े टेस्ट बाहरों 7,000 च होणगे 8,000 च होणगे उत्थों शायद 2,200 दे विच हो जाणगे और ऐसी चीज़ां असी शुरू करन जा रहे हैं और बड़ी छेती इहदे रिजल्ट तुहाडे सामने आणगे। और दुग्गल साहब ने हले पूरी डिटेल तुहानूं दित्ती नहीं जिवें इन्हां ने इत्थे तुसीं उह डायलिसिस दा सैक्शन शुरू किया डायलिसिस की बहुत ज़्यादा जरूरत है अज की डेट च कोई 3800-4,000 जिहड़ा बाहरों हुंदा इत्थे 1200 रुपए दे विच करके दिंदे ने बहुत ज़्यादा सबसिडाइज कॉस्ट है। और इत्थे लायन क्लब तो बैठे ने रोटरी वाले भी ने जिहड़े हमेशा साढ़े बगैर मंगे कोई मशीन चाहिदी होवे कोई ट्रीटमेंट चाहिदा होवे किसी नूं सबसिडाइज किसी कोल ऑपरेशन दे पैसे नहीं हैगे ये आप आके इत्थे लेडीज़ बैठियां ने आप ऑफर करदियां ने कि ये खर्चा असी चुक सकते हैं लखां रुपए दियां मशीनां सानूं इन्हां लोकां ने गिफ्ट कीतियां ने। सो बहुत बहुत धन्नवाद सारिआं दा और गुरु करेगा कि जिहड़ी हम्बल बिगनिंग जिहड़ी छोटी बिगनिंग हाँ जिहड़ी डॉक्टर रथ ने उन्हां बारे गल कही है मनदीप जी बारे मैं इस नूं दूजे पासे एग्जाम्पल दिना ये जरूरी नहीं कि तुहाडे कोल इक्विपमेंट अच्छा या तुहाडे कोल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ये तुहाडे अंदर किहो जी ज़ील है काम करन दी तुसी किन्नी डेडिकेशन नाल काम करदे हो। मैं तो एग्जाम्पल दूजे पासे दिना कि असीं बाबा बंदा सिंह बहादुर की 300 साल शहीदी शताब्दी मनाई है जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गुरु गोबिंद सिंह ने नांदेड़ तो आशीर्वाद दे के भेजिया सी सिर्फ 5 तीर दिते सी एक नगाड़ा दिता सी ते कुछ सिंह दिते सी। मैं हमेशा सोचदा वा कि गुरु साहब ने उसनूं पंजाब भेज दिता और पंजाब दे विच औरंगजेब दा सब तो ताकतवर जिहड़ा जरनैल सी वजीर खान उहदी फौज दे नाल जिहदी लखां दी फौज सी जिहदे कोल आर्मामेंट इन्ना स्ट्रोंग सीगा कि उहदा कोई मुकाबला नहीं कर सकता वह छोटियां जिहियां कृपानां नाल और टुटियां कुल्हाड़ियां ते डांगां दे नाल उसने फौज इकट्ठी कीती लेकिन उसने औरंगजेब नूं हराया और दिल्ली च हिंदुस्तान च पहला आज़ाद खुद मुख्तियार सिख राज कायम किया। मैं समझदा कि इट इज़ द स्पिरिट विद विच यू फाइट इट इज़ नॉट द इक्विपमेंट दैट विल टेक यू समवेयर इट इज़ योर डेडिकेशन दैट विल टेक एंड यू हैव दैट सर थैंक यू वेरी मच। ये हॉस्पिटल की गल
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲਮੋਹਣ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਐੱਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 31,92,000 ਦੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 32 ਕਰੋੜ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸੀ, 32 ਕਰੋੜ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ। 32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਖਿੱਚਣਗੇ ਜੇ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਤਾ, ਪੱਥਰ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਪਟਾਈ ਇਹਦੀ, ਕਰੇਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਗਏ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਐਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ 32 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 32 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆ 3 ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣੇ ਆ, ਬਤਰਾ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਅਤੇ ਸਕਾਟ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰਮੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਗਾਜ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਬੈੱਡ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਲੰਗਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣ, ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੌਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਜੌਲੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਾ ਸੀ, 12,76,00,000 ਬਣਿਆ। ਕਲਮੋਹਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ 31,92,000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 32 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ 32 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਈ। ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਚਲੋ ਕਰੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਵੀ ਇਹ GM ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਹੇਅਰ ਟੂ ਥੈਂਕ ਆਲ ਯੂ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਕਮ ਔਨ ਦਿਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਅਸ ਵੈਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇਮ ਆਫ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਹੇਅਰ ਫੋਰ ਲਾਸਟ 3.5 ਈਅਰਸ,
is a period which goes in the history as a period of total faith and total trust, which the President, Dilli Sikh Gurudwara Management Committee, Sir Meek Singh Ji Kalka, and all their colleagues in the Management Committee, they have always bestowed on us. It was then that we had a meeting of the surgeons here, and one of the surgeons was sitting here, very honorable, orthopedic surgeon. He just mentioned that in case we have a C-arm, we can do a lot of surgeries here. And I must admit that my biggest handicap was that I am not a doctor. So we said, Doctor, we ho jayega C-arm. At least I realized it was costing 9 lakh rupees. That's where the journey starts. Anything that I did, anything that I committed, was totally, totally ratified by the Gurudwara Management Committee without questioning. Gurudwara Committee, led by their President, Mr. Manjeet Singh Ji, has never till date questioned our judgment and decision. He has given us a free hand. And it is because of that free hand that we have been able to achieve so much. To all the esteemed members of Delhi Sikh Gurudwara Management Committee, I normally call Sardar Harjeet Singh Duggal, Duggal Uncle. And a very good afternoon, a very good evening to all the people who have come on my urge, on our urge, to support this cause. And special thanks I really want to mention for Dr. G.K. Rath. He is the head of the IRCHAMS, he is the head of NCI. Special thanks to Swami Kalika Krishnananda, who runs the Ramakrishna Mission Hospital in Vrindavan. And whatever speeches we have heard till now and everything, I really thank all our senior members of the committee, the previous committee, that they have given us an infrastructure to work upon. That is the thing which they, and now it's the duty of our generation to take these things forward. And how to make these things forward, that is where we have to understand and accept these things and take it forward. सो दोस्तों अज असीं देखिया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां दे मद्देनज़र नामजदगियां दाखल करन उपरंत चोण सरगर्मियां तेज़ कर दित्तियां गईआं ने। नाल ही असीं देखिया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों पिछले 4 सालां दौरान कीते गए कार्यां दा वेरवा भी संगतां सामने पेश कीता गया। अज दे प्रोग्राम विच इन्ना ही प्रोग्राम गूंजा। सिख विरसे लै के फिर आप जी दी सेवा विच हाजर होंगे। तद तक लई मैनूं दिओ इजाजत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जा सिख विरसे दिया।